तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन आया है, उसका डिटेल हम लोग देखेंगे, मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन कर दीजिए। और वैकेंसी थोड़ा कम है, लेकिन जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है, बीटेक वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो ये जो है, देखिए पीएसयू है एक, ठीक है। तो मेनली ये जो कंपनी है ये है केमिकल कंपनी। तो यहाँ पे जो देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इधर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जीईटी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये जो पोस्ट है डिग्री वालों के लिए है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिग्री बीटेक केमिकल पेट्रोकेमिकल एमएससी बीएससी एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सारे दिया हुआ है, मैं रीडिंग पढ़ के टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 2 में जो दिया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग टीएटी और लैब एनालिस्ट ट्रेनिंग एलएटी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा, डिप्लोमा इन केमिकल में है, देखिए टोटल 27 पोस्ट है, लैब एनालिस्ट में है टोटल 2 पोस्ट है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में देखिए 10 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, और इलेक्ट्रिकल के 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है 4 पोस्ट, सिविल में है 1 पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए देखिए अकाउंटेंट, यहाँ पे बीकॉम मांगा है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जूनियर मार्केटिंग असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल एंड मेंटेनेंस जो दिया हुआ देखिए। तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है, कम लग रहा है, वैकेंसी कम है मतलब एप्लीकेशन भी बहुत कम होगा, और ये जॉब जो है ये मद्रास में है, मतलब चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में है इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन और भी थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे देखिए जो दिया सीरियल नंबर 1-7 दिया हुआ है, देखिए ग्रेड 4 कैटेगरी का जो है स्केल रहेगा, देखिए 9830 और 3% रहेगा, और सीरियल नंबर 8-10 में देखिए ग्रेड 3B में रहेगा, प्री रिवाइज जो पे स्केल है 9270 और 3%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पोस्ट रिजर्व फॉर फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, ऑपरेशन के लिए टीएटी पोस्ट में 4 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग में मेंटेनेंस में है 2 पोस्ट, तो टोटल 6 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो दिया हुआ है, ग्रेजुएट लोगों के लिए एज लिमिट है 28 और टीएटी एलएटी डिप्लोमा वालों के लिए एज लिमिट है 25। तो एज भी बहुत ही कम है, तो जो लोग उम्र अभी बहुत कम है तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदा है। और जो एज रिलैक्सेशन रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल जो रहता है, एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ओके। और ये जो है एप्लीकेशन टोटल ऑनलाइन होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन कर दीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर है आज देखिए। और ट्रेनिंग टाइम में जो स्टाइफेंड मिलेगा, ठीक है, जीटी वालों के लिए मिलेगा 30,000 और डिप्लोमा वालों के लिए मिलेगा 20,000 और 25,000, ठीक है। तो 2 साल का सारे ट्रेनिंग रखा गया है डिप्लोमा वालों के लिए, और जीटी वालों के लिए 1 साल का ट्रेनिंग है, तो इसलिए 30,000 और 20,000 25,000, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जूनियर असिस्टेंट, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल में जितने लोग हैं सब टेक्निकल क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लेते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड और आप एब्जॉर्प्शन द कैंडिडेट आर लेबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट। तो कहीं पे भी आपको डाल सकता है, तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपरेशन रहिएगा कि कहाँ कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है ऑल इंडिया में, लेकिन खासतौर पर मैं बता देता हूँ जो पोस्टिंग होता है वो चेन्नई मद्रास में ही होता है, ठीक है। और सर्विस एग्रीमेंट में रखा गया है हमें बॉन्डिंग है, डिप्लोमा वालों के लिए देखिए 2,00,000 और ग्रेजुएट वालों के लिए 3,00,000 जो बॉन्डिंग है, 3 साल के लिए बॉन्डिंग रखा है, 3 साल से पहले अगर जॉब क्विट कर रहे हो तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और जीटी वालों के लिए बता दो, कैंडिडेट क्वालिफाइंग द नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ऑल लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, जैसे IOCL वगैरह में होता है, ठीक है, तो वैसे ही होगा यहाँ पे। और डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता देता हूँ, ये TAT, LAT और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए है, देखिए कैंडिडेट क्वालिफाइंग द नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट और द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो देखिए डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, लेकिन GET MT वालों के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन पेपर वुड बी 2 पार्ट्स,
डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट एंड एप्टीट्यूड पार्ट। तो मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश। तो हिंदी वालों जो लोग हैं हिंदी मीडियम से, वो लोग को मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में ओनली एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ओनली इंग्लिश में होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 120 आउट ऑफ व्हिच 60 क्वेश्चन फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन और 60 क्वेश्चन ऑफ कॉमन फ्रॉम जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। द क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क फॉर इच करेक्ट आंसर एंड -1/3 फॉर इच रॉन्ग आंसर। यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 1:3 के हिसाब से। और नेक्स्ट बताया, देखिए ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट चेन्नई, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट और टेस्ट सेंटर एटसेट्रा विल बी एंटरटेन फॉर एनी रीजन वॉट एवर। तो जो टेस्ट होगा वो चेन्नई में ही होगा, यहाँ पर बता दिया है, और ये चेंज नहीं हो सकता। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट जो होता है, ये फॉर्मेलिटी जो है तो वो होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। मैं पढ़ के टाइम ज़्यादा गंवाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए 25 तारीख से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है। और कितना पैसा लग रहा है देखिए, डिप्लोमा वालों के लिए 300 रुपया और बीटेक वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए 500 रुपीज लगेगा, ठीक है। और एससी एसटी पीएच एक्स सर्विसमैन कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक दे दिया है, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन जो रहता है सारे एग्ज़ाम में, वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट डेट दिया है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2019, ठीक है, टेंटेटिव डेट है। तो ये थोड़ा बहुत एक दो हफ्ता इधर उधर हो सकता है, मतलब डिले हो सकता है, पहले तो नहीं सकता, डिले हो सकता है। तो नवंबर महीने में मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, ओके। तो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन लीजिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आपको प्रिपरेशन लेना है। तो और यहाँ पे क्या क्या देखिए, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए यहाँ पे दे दिया है, अटैचमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। तो जो लोगों को लग रहा है कि एप्लीकेशन करना चाहिए तो कर दीजिए, मेरे हिसाब से सब लोगों को एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन उसी हिसाब से कंपटीशन भी थोड़ा बहुत कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम रहता है इसलिए ज़्यादा लोग एप्लीकेशन नहीं करता है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरा जो लोग नोट्स लिए हो, ठीक है, मेरा नोट्स जो लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो दिया हूँ नोट्स, ज़्यादा पेज का है, तो वो अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।